शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। सुबह सुबह पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पत्नी गुस्से में बोली, बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पति भी गुस्से में था, बोला, मैं भी तुम्हें झेलते झेलते तंग आ चुका हूँ। पति गुस्से में ही दफ्तर चला गया। पत्नी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वे सब छोड़ छाड़ कर बच्चे सहित मायके आ रही है, अब और ज़्यादा नहीं रह सकती इस नरक में। माँ ने कहा, बेटी बहू बनकर आराम से वहीं रह ले, तेरी बड़ी बहन भी अपने पति से लड़कर आई थी और इसी जिद में तलाक लेकर बैठी हुई है, और तब से तेरी भाभी के ताने सुन रही हूँ मैं। अब तूने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया है, खबरदार जो तू इधर कदम भी रखा तो अपने पति से समझौता कर ले, वो इतना पूरा भी नहीं है। माँ ने सख्ती से लाल झंडी दिखाई तो बेटी के होश ठिकाने आ गए, वो फूट फूट कर रो दी। जब रो कर थकी तो दिल हल्का हो चुका था। उसने अपने पति के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो उसे अपनी खुद की भी कुछ गलतियाँ नजर आईं। मुँह हाथ धोकर फ्रेश हुई और पति की मनपसंद डिश बनाना शुरू कर दी और साथ में पति की पसंद की स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा कि शाम को पति से माफ़ी मांग लूँगी, अपना घर फिर भी अपना ही होता है। पति शाम को जब घर आया तो पत्नी ने उनका अच्छे से स्वागत किया, जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। पति को भी हैरत हुई। खाना खाने के बाद पति जब खीर खा रहा था तो बोला, डियर कभी कभार मैं भी जास्ती कर जाता हूँ, तुम दिल पर मत लिया करो, इंसान हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। पति पत्नी का शुक्रिया अदा कर रहा था और पत्नी दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, जिसकी शक्ति में उनको अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया था, वरना उसका जज्बाती फैसला उसका घर तबाह कर देता। यदि माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी के हर जायज़ नाजायज़ बात को सपोर्ट करना बंद कर दें तो रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।